हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट MIUI CSX ROM के 13.0.5 स्टेबल अपडेट के बारे में पोको X3 Pro के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले प्लीज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट है यार सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सकते हो। बाकी इलाइट ROM के सेम 13.0.5 स्टेबल बिल्ड का रिव्यू आ चुका है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं गया तो प्लीज चैनल पे जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। नाउ सबसे पहले बात करेंगे अब माय पेज की। यहां पर आपको मिलता है MIUI CSX 13.0.5 स्टेबल बिल्ड, और अगर हम चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर, सो ऑल स्पेक्स के अंदर मेमोरी एक्सटेंशन मिल जाएगा, 8GB वेरिएंट है मेरे पास, तो यहां पर 3GB ये शो करता है। उसके बाद एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट है, और जो वर्जन है वो 13.0.5 स्टेबल आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो, जो कि ग्लोबल स्टेबल बेस्ड है। एंड जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट है वो 2022.07.01 का मिलता है, यानी कि जुलाई 2022 का लेटेस्ट अपडेटेड आपको यहां पर जो है एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, और जो कर्नल है वो पर्फ का यहां पर यूज किया है। अब सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे, तो इस रोम के अंदर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का सेक्शन आपको मिल जाता है, एंड यहां पर आपको ये वाले वॉलपेपर्स इसके 13.0.4 स्टेबल बिल्ड के अंदर भी मिलते थे, और नए वॉलपेपर्स यहां पर ये वाले आ चुके हैं जो कि आप चेक कर सकते हो 7 टाइप्स के, तो ये 13.0.5 वाले हैं, यानी कि इसी अपडेट के अंदर यहां पर ऐड हो चुके हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर सभी चेंजेस सेम है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो कलर स्कीम के अंदर वही ऑप्शंस मिलेंगे, और 90 हर्ट्ज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर मैं आपको जो है साउंड इफेक्ट्स वगैरह चेक करवा देता हूं, तो यहां पर आपको जो है प्रीसेट वगैरह वही सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और एक चीज और यहां पर स्पेशल मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की बात करें, लेटेस्ट MIUI 13 का अपडेटेड कंट्रोल सेंटर मिलेगा, और कुछ ये वाले ऑप्शंस आपको नीचे देखने को मिलेंगे। बाकी स्टेटस बार के अंदर वही ऑप्शंस है, यहां पर कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको नहीं मिलता। होम स्क्रीन की बात करेंगे तो सिस्टम लॉन्चर यहां पे आपको अपडेटेड देखने को मिल जाएगा, आप यहां पर एनिमेशन स्पीड चेंज कर सकते हो, होम स्क्रीन लेआउट अप टू 6x7 तक चूज कर सकते हो, देन अरेंज आइटम्स इन रीजंस के अंदर ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलते, और मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन है। उसके बाद बैटरी का सेक्शन आप चेक करोगे तो यहां पर बैटरी स्टैट्स वगैरह आपको सेम देखने को मिलेंगे। देन स्पेशल फीचर के अंदर साइड बार वगैरह है, MIUI लैब के अंदर कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। नाउ अगर आपको याद होगा, रिसेंटली मैंने MIUI प्रोजेक्ट मॉनेट प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी 2.0 वाले अपडेट के ऊपर, तो वो जो मॉड्यूल है ना वो आपको यहां पर सिस्टम लेसली मिल जाता है। आप देखोगे तो यहां पर कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको जो है मॉनेट थीमिंग मिलेगा, सेटिंग के अंदर मॉनेट थीमिंग इनेबल्ड है, इवन सिक्योरिटी ऐप के अंदर भी मॉनेट थीमिंग इनेबल्ड आपको मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहां पर मॉनेट थीमिंग 2.0 अपडेट हो चुका है, और अगर आपको फुल डिटेल इसके बारे में जाननी है तो डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक दूंगा आई बटन के अंदर, आप वहां पर चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। तो ये चीज आपको यहां पर जो है एक बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इस रोम के स्मूथनेस की बात करेंगे तो यहां पे मैं सबसे पहले ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड आपको चेक करवा देता हूं, और यहां पर जो एनिमेशन स्पीड है ना वो यहां पर है, यहां पर जो मैक्सिमम आपको फास्ट मिलती है ना, तो उसके ऊपर मैंने इसको सेटअप कर रखा है। जो एनिमेशन है वो आप देखोगे तो काफी ज्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेंगे, इवन फर्स्ट इंप्रेशन इस रोम का स्मूथनेस के मामले में मेरे को यहां पर बेटर लगा है इलाइट रोम से भी। सो आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसे एनिमेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी स्मूथ यूआई है, एंड कोई भी लैग स्टटरिंग वगैरह आपको यूआई के अंदर नहीं आने वाला। ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ यूआई एक्सपीरियंस काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इवन जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ना इसके अंदर आपको मैं चेक करवाता हूं, सो यहां पर आपको जो है मैक्सिमम फ्रेम रेट्स मिलेंगे 60, तो 60 FPS के ऊपर आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई बग वगैरह आपको नहीं मिलता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसका जो स्टॉक कैमरा है वो आपको लीका वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा, एंड यहां पे अगर आप चेक करोगे तो आपको इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बाकी वीडियो के अंदर आएंगे तो यहां पर आपको 4K 30 FPS ऑप्शन मिलता है, बट इलाइट रोम के अंदर 4K 60 FPS है, जो कि आपको मैंने वीडियो के अंदर चेक करवाया था। मोर के अंदर वही ऑप्शंस मिलेंगे, स्लो मोशन वगैरह सब कुछ आपको वर्किंग मिल जाता है, बाकी नाइट साइट वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। अब नंबर है इंपॉर्टेंट चीजों का, सबसे पहले बात करेंगे डिवाइस के सर्टिफिकेशन की। तो डिवाइस आपका नॉट सर्टिफाइड है, बट एज पर मेंटेनर यहां पर जो चीज है ना वो बोल रहे हैं कि यहां पर जो आपके सेफ्टी नेट वगैरह ना वो यहां पे पास नहीं हो रहा, बट गूगल पे वगैरह आपका वर्क करेगा विदाउट रूट, तो ये आप चेक करके बताना कि आपका वर्किंग है या फिर नहीं। वैसे मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि इस फोन के अंदर सिम कार्ड मेरे पास नहीं है एक्स्ट्रा के अंदर, बट कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं गीकबेंच 5 के स्कोर्स, गेम टर्बो के अंदर
अंदर ऐड करने के बाद में, तो ये आपको स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इस रॉम के अंदर सिक्योरिटी ऐप के अंदर आपको एक बग देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो ये स्कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वाइड वाइन L1 आपको मिलता है, उसके बाद गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग आई गैस आपको मिल जाएगी, और जो चार्जिंग स्पीड है मैक्सिमम 4000 मिली एम्पीयर के आसपास आपको मिलेगी। एंड जो सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ है वो 95% तक थ्रॉटल होता है, और मैक्सिमम GIPS है 1,75,000 के आसपास, और एवरेज है 1,71,000 के आसपास। अब सिक्योरिटी के अंदर आपको क्या बग मिलता है, इसका जो सिक्योरिटी ऐप है ना वो आपका क्रैश करेगा जब आप इसको ओपन करने की कोशिश करोगे, जब आप रोम बूट कर लोगे। तो इसका जो है लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर देता हूं, उसको डाउनलोड करना, सिंपली इंस्टॉल कर लेना, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी यहां पर विजेट स्टोर ये वाला देखने को मिलेगा, लेटेस्ट वाला विजेट स्टोर नहीं मिलता, बट जो एवोल्ट है आई गेस यहां पर वो भी आई थिंक जो है रिमूव हो चुका है। सो इसको आप ट्राई कर सकते हो, एवोल्ट आई थिंक आपको लेटेस्ट वाला देखने को मिलेगा, बट जो विजेट स्टोर है वो थोड़ा सा ओल्ड आपको मिलेगा। अब गेमिंग की बात करेंगे तो यहां पर 90 FPS आपको मिल जाता है लाइक इलाइट रॉम की तरह। सो 90 FPS के ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टेबल के साथ में इसको इलाइट के वर्जन के साथ में कंपेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहां पर आपको जो है परफॉर्मेंस और स्मूथनेस थोड़ी सी बेटर मिल जाती है, ये चीज आप फील कर सकते हो। और मेरे फर्स्ट इंप्रेशन में यही चीज मेरे को नोटिस हुई है कि ये जो रॉम है ना वो लेटेस्ट इलाइट रॉम के स्टेबल वर्जन से थोड़ी सी बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस भी। तो गेमिंग के लिए अगर आप इस रॉम को ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली काफी अच्छी आप यहां पर गेमिंग कर सकते हो, इवन हार्डकोर लेवल की भी गेमिंग कर सकते हो। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में की है तो मेरे को जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिला यहां पर वो था 43 डिग्री के आसपास, जो कि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी एम्बिएंट टेम्परेचर काफी ज्यादा हो चुका है थोड़ा सा, और उसकी वजह से हीटिंग इश्यूज में भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर, बट कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाले, लाइक FPS ज्यादा ड्रॉप नहीं होने वाला। उसके बाद स्मूथनेस काफी अच्छी है, टच रिस्पॉन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट अगर आप पूछना चाहते हो कि ये इलाइट बीटा से बेटर है या फिर नहीं, तो डेफिनेटली नॉट, ये जो रॉम है ना आपको जो है इलाइट बीटा से बेटर नहीं मिलती। इलाइट बीटा की जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो थोड़ी सी ज्यादा ही बेटर आपको मिलती है। तो अगर आपको जो है विदाउट हीटिंग इश्यूज 90 FPS के ऊपर स्मूथ गेमिंग करनी है ना, इवन अगर आप कॉम्पिटेटिव भी खेलते हो, तो आप जो है इलाइट बीटा वर्जन यहाँ पर ट्राई करो, और उसका रिव्यू आपको आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा। डेफिनेटली वीडियो को चेक करना, शेयर करना दूसरों के साथ, और मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।